हेलो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेजर्स टू स्टिमुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है जो प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे प्रभावित होती है और इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए तो हम पहले जानते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए क्या क्या अडॉप्ट किया जाना चाहिए फर्स्ट है रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का भी यही मानना था कि जितना इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट रेट कम होगा उतनी ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी उनका मानना था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट इलास्टिक है उसके बाद केन्स ने भी स्टार्टिंग में यही बिलीव उनका था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रभावित होती है लेकिन उन्होंने बाद में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और ये माना कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम इलास्टिक है इनकम इलास्टिक है ना कि इंटरेस्ट इलास्टिक है ये मानने के दो कारण थे एक तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट को और दूसरा इंटरेस्ट रेट एक लेवल से ज़्यादा कम नहीं हो सकता जो केंज की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में हमने जाना था कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस की वजह से एक सर्टेन लेवल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉल नहीं हो सकता और जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है जैसे डिप्रेशन है तो चाहे कितना भी रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए लेकिन इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं बढ़ती है तब इस बात की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से प्रभावित होती है ये सब होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है और उसके इन्फ्लुएंस को दर नहीं किया जा सकता मना नहीं किया जा सकता कि वो प्रभावित नहीं करता रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को प्रभावित करता है सेकंड है रिडक्शन इन टैक्सेस टैक्सेस में जितना ज़्यादा रिडक्शन होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगी और जितना अगर एंट्रप्रनोर बर्डन फील कर रहे हैं उन पर ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट को वो एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगा तो इसीलिए लिए की ये सजेशन है कि जो इनकम टैक्स हैं एंड कॉरपोरेशन टैक्स हैं वो कम लगाए जाने चाहिए उनका जो दर है वो कम होनी चाहिए उसके बजाय जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं या जो लग्ज़री कंजम्पशन है उस पर टैक्सेस लगा के गवर्नमेंट को अपनी रेवेन्यू कलेक्ट करनी चाहिए क्योंकि अगर कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स नहीं लगा रही है गवर्नमेंट या कम लगा रही है तो उस गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होगी और रेवेन्यू कम होने से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर पाएगी और उसका इफेक्टिव डिमांड पे इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा तो इस नुकसान से बचने के लिए इकोनॉमिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो कॉन्सपिकुस कंजम्पशन करते हैं लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं उन पे ज़्यादा टैक्सेस होने चाहिए ताकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्ट हो और गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर कर पाए नेक्स्ट वन इज़ पॉलिसी ऑफ वेज कट जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका बिलीव था कि वेज कट के थ्रू कॉस्ट को कम किया जा सकता है मनी वेजेस को कम कर दिया जाए तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनकी कॉस्ट कम आ रही है लेकिन केन्स ने ये प्रूव किया कि अगर इनकम मनी वेजेस कम होंगे तो वो डिमांड कम कर पाएंगे और डिमांड कम होना कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट में अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स घट जाएंगे और उससे मार्जिनल एफिशिएंसी पे भी गलत असर पड़ेगा वो डिक्रीज हो जाएगी तो इस प्रकार के स्टेप ना उठाने की बजाय जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करने के लिए रियल वेज जो है वो रिड्यूस की जा सकती है ताकि जो मज़दूर हैं वो इल्यूज़न में रहें आ, कि उनकी जो है मनी इनकम सेम है लेकिन अगर रियल वेज कम हो जाती है तो प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट कम हो जाएगी लेकिन इसका भी लॉन्ग टर्म में बैड इफ़ेक्ट पड़ सकता है तो वेज कट अगर मैं पर्सनली कहूँ तो बहुत ज़्यादा वेज कट का सहारा नहीं लिया जा सकता इन्वेस्टमेंट को इनक्रीज़ करने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए हानिकारक होगा किसी भी इकोनॉमी के लिए नेक्स्ट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कई प्रकार से होता है पहला गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है वो सोशल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है किसी प्रकार की ग्रांट या एजुकेशन ग्रांट या हेल्थ जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो ऐसा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का हो सकता है नेक्स्ट जो रोड्स हैं बिल्डिंग्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिवेलपमेंट का काम है उसके लिए गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है और जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे इरिगेशन है पावर प्रोजेक्ट्स है उनके लिए भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एडवर्सली इफेक्ट ना करे वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कॉम्प्लीमेंट करे ना कि उसके साथ कंपटीशन किया जाए तो उसका जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसका कोई गलत प्रभाव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर नहीं पड़ना चाहिए उसको सपोर्ट देनी चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट देनी चाहिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू नेक्स्ट है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट और क्या कर सकती है कि प्राइस सपोर्ट पॉलिसी अपना सकती है कि जो असेंशियल गुड्स हैं उनके अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को एक प्रकार का रिस्क रहता है कि प्राइसेस फॉल भी हो सकते हैं और इंक्रीज भी हो सकते हैं तो उनको एक सर्टेनिटी नहीं रहती उसके लिए गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट पॉलिसी अपना सकती है और जब ज़रूरत हो तो वो स्टॉक भी इकट्ठा कर सकती है और जब उस वस्तु की कमी हो तो वो उसकी सप्लाई बढ़ा के प्राइसेस में कंपेटिवली स्टेबिलिटी लाने का काम कर सकती है तो अगर स्टेबल प्राइसेस होंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है प्राइस फॉल होने का खतरा नहीं है तो हम कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है अबोल्यूशन ऑफ मोनोपलिस्टिक टेंडेंसी जितनी अधिक मोनोपलिस्टिक टेंडेंसी होगी उतना ही इन्वेस्टमेंट कम होगा और जितनी मोनोपलिस्टिक टेंडेंसी को कम किया जाएगा कंपटीशन को बढ़ाया जाएगा तो नई फॉर्म्स भी एंटर करेंगी और वो भी इन्वेस्टमेंट उससे इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा तो मोनोपलिस्टिक टेंडेंसी को कंट्रोल करने की को, आ, कोशिश होनी चाहिए नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ रिसर्च जितनी ज़्यादा रिसर्च होंगी उससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नए तरीके आ, का पता चलेगा नई इनोवेशंस होंगी और उससे वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और अपनी लागतों को कम कर पाएंगे नेक्स्ट इज पंप प्राइमिंग पंप प्राइमिंग क्या होती है द पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट विद अ व्यू टू स्टिमुलेटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पंप प्राइमिंग ऐसी इन्वेस्टमेंट ऐसी पब्लिक इन्वेस्टमेंट जिसका मोटिव होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सके ऐसी इन्वेस्टमेंट कहलाती है पंप प्राइमिंग नेक्स्ट कुरिहारा के विचारों के अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज डिजाइन टू गेट रीड ऑफ डिप्रेशन इज कॉल्ड पंप प्राइमिंग जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है डिप्रेशन से बाहर आने के लिए वो जो एक्सपेंडिचर है वो कहलाता है पंप प्राइमिंग तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसके लिए बेहतर रहेगा कि गवर्नमेंट बैंक से बोरो करे और उसका इन्वेस्टमेंट करे ताकि जो आइडल कैश आइडल कैश है बैंक्स में उसका यूज़ जो खाली पड़ा हुआ कैश है वहाँ पे उसका यूज़ किया जा सके इकोनॉमी में और इकॉनमी को डिप्रेशन से बाहर निकाला जाए अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट भी रहेगा उस इन्वेस्टमेंट का और लोगों की इनकम बढ़ेगी और उससे फर्दर और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इस प्रकार से इनक्रीज़ किया जा सकता है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशंस हैं उन्हीं से ट्रेड साइकिल्स आते हैं तो उनके एडवर्स इफ़ेक्ट से बचने के लिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर कम होती है तो उसको आ, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू किसी तरीके से प्रमोट करने की कोशिश करें। तो इसलिए हमारे लिए ऑटोनस जो इन्वेस्टमेंट है उसकी भी इंपॉर्टेंस है केंज ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही डिप्रेशन से बाहर लाया जा सकता है इकोनॉमीज़ को ट्रेड साइकिल के दौरान अगर डिप्रेशन है तो गवर्नमेंट को इन, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है वो प्रॉफिट से प्रभावित नहीं होता है इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कहलाती है तो गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट कर सकती है उसके वो उसके सोर्सेज हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट हो सकती है या कहाँ से वो सोर्सेज होंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के फर्स्ट है टैक्सेशन टैक्सेशन की अभी हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के केस में भी बात करी कि टैक्सेशन का बहुत ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट को और तरीकों को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए और टैक्सेस इस प्रकार के हों जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को तो, मतलब कम करने का काम ना करें उसको बहुत बैडली इफेक्ट ना करें ऐसे टैक्स रेट इस प्रकार का होना चाहिए जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कम ना करें और उसके अलावा दूसरा जो तरीका है लोन्स लोन्स बेहतर एक सोर्स है लोन्स के थ्रू अभी हमने बात करी कि बैंक से लोन लेके वो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी उसकी हेल्प से इंक्रीज किया जा सकता है तो इस प्रकार के लोन जो हैं वो ज्यादा बेहतर रहेंगे गवर्नमेंट के लिए कि वहां से लोन के थ्रू गवर्नमेंट कैपिटल अरेंज करे और उसका इन्वेस्टमेंट करे नेक्स्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग जो घाटे की वित्त व्यवस्था है वो भी गवर्नमेंट अपना सकती है उसके लिए एक तरीका ये भी रहेगा कि करेंसी नोट को छाप करके गवर्नमेंट uh, uh, वहाँ उस कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकती है लेकिन उसमें भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है तब तक तो ये जो करेंसी नोट और प्रिंट हो रहे हैं उनसे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाता है और करेंसी अगर ज़्यादा प्रिंट करी जा रही है उससे इन्फ्लेशन का खतरा ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट को बड़ा बैलेंस करके अपनी रेवेन्यू को कलेक्ट करना होता है और वेल well प्लैंड तरीके से उसको इन्वेस्ट करना होता है ताकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इकॉनमी में अधिक कर सके और इकॉनमी में जो टोटल इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो ज़्यादा बना रहे ताकि इकॉनमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहे थैंक यू सो मच